हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक्स वंस अगेन। आपके अपने फेवरेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दर्पण, और आज मैं सुबह सुबह आपसे एक सोशल कॉज के लिए बात कर रहा हूं, जो कि हम सबके लिए ही है। ये सोशल नहीं कह सकते, इसे पर्सनल कॉज भी कह सकते हैं, कि ये सबसे जुड़ा हुआ कॉज है। तो दोस्तों, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सुबह के 5 या 6 बजे हुए हैं, या मैं किसी हिल स्टेशन के ऊपर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं अपनी दिल्ली में ही हूँ और सुबह के इस समय 11 बज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 11 बजे इस तरह का फॉग जो है सनराइज़ होने के बाद भी इतना डेंस फॉग है, कल रात से विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। तो दोस्तों, मैंने कल रात को जो एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने घर की जो मेरी ड्राइव है मेरे ऑफिस से, वो हार्डली 20 से 25 मिनट की है, और मैं मोटा मोटा 3.5 घंटे में अपने घर पहुंचा हूं। और ये जो विजिबिलिटी अभी आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, ये विजिबिलिटी इससे भी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इसी वीडियो में आपके साथ वो कल रात की क्लिप्स भी शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि हमें जो है थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा एक्चुअल में हो क्यों रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम सब के लिए, चलना तो बहुत दूर की बात है रोड्स के ऊपर, सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सुन पा रहे होंगे मेरा गला जो है पूरी तरीके से स्मॉग की वजह से क्लॉग हो चुका है, और अब ना तो दिवाली है, पटाखे अब चल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पॉल्यूशन इस तरीके से जो है कहर डाल रहा है, तो उसके पीछे जो कॉजेज हैं उन्हें हमें देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन हम किस तरीके से फैला रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और फाइनली जो है इस चीज़ को देख के कुछ तो एक्शन्स हमें लेने पड़ेंगे। हम इस तरह के फॉग और स्मॉग से अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाली जनरेशन्स को बचा सकें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कल मॉर्निंग में 35 था दिल्ली का, और रात होते होते 135 पे चला गया था। इस समय अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 शो कर रहा है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है स्टिल। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे बस यही एक प्रार्थना है कि अपने एंड पे जो हम पर्सनली जहाँ तक हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं रोकने की कोशिश करें, और चीज़ों को जो है वो हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार जो है छोटी छोटी चीज़ों को ब्लेम किया जाता है, लाइक दिवाली, पटाखे और ऑल दीज थिंग्स, और इवन फार्मूला लग जाता है, बट स्टिल उसके बाद भी जो है पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं लेता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए खुद के द्वारा की गई चीज़ों को कहते हैं कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सोच के करेंगे और उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करने की कोशिश करेंगे, तो आई होप कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारी पृथ्वी और हमारा जो एटमोसफेयर है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आगे मैं आपसे कल रात की क्लिप शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि अब की बार इसमें ना कोई टेक्निकल बात है, ना कोई टेक्निकल सपोर्ट है, बट स्टिल ये हम सबसे जुड़ा हुआ एक मामला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ ट्रेंडिंग टेक्स में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्मॉग और फॉग जो है दिल्ली की रोड्स के ऊपर इस समय आ गया है। जी हाँ, ये है 8 नवंबर की रात। जी, मैं 8 नवंबर को रात को ऑलमोस्ट 1:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ वाली सीट पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे फ्रेंड, और आप देख सकते हैं सर कितना ज़्यादा सर इस चीज़ का जो है दिल्ली की रोड्स के ऊपर हुआ है। कंटिन्यूसली जो है फॉग और स्मॉग रोड के ऊपर आए जा रहा है, और जिस वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ड्राइव करने में। नेविगेशन को अगर आप देखें तो पूरी तरीके से नेविगेशन जो है रेड हो चुका है, जहाँ जहाँ पे भी ये फॉग का असर है, पूरी दिल्ली को स्ट्राइक कर चुका है। मेरा गला आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सॉरी, जिस तरीके से मेरा गला बैठ चुका है पूरे तरीके से ड्यू टू दिस फॉग, एंड इट्स क्वाइट टफ टू ड्राइव इन दिस कंडीशन। एंड अगर ऐसा ही रहा है कि अब 2 दिन और, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स सीरियसली कंसीडर दिस थिंग। और सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि अब तो दिवाली भी नहीं है, कोई फेस्टिवल भी ऐसा नहीं है जब पटाखे चले हों, और उसके बाद भी
इतना ज्यादा अगर स्मॉग और फॉग आ रहा है तो अब इस पॉल्यूशन के लिए ना तो पटाखे जिम्मेदार हैं, ना दिवाली जिम्मेदार है, तो अब जिम्मेदार कौन है फाइनली इस स्मॉग के लिए, इस पॉल्यूशन के लिए? ये सोचने वाली बात है, बहुत ज्यादा हम सबको सोचना होगा इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है सर्वाइवल के लिए। जो रूटीन में मेरे को अपने घर पहुंचने में जिस रूट से 20 मिनट्स हार्डली लगते हैं, अभी मोर देन इट्स 2.5 आवर और मैं अभी तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाया ड्यू टू दिस स्मॉग एंड फॉग। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भगवान ने चाह तो बहुत जल्दी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, बट स्टिल हमें भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ जो है ऑनेस्ट एफर्ट्स करने होंगे ताकि हम एनवायरनमेंट को जो है वो इतना डैमेज होने से बचा सकें। आपके सामने आप देख पा रहे हैं हार्डली डैशबोर्ड अगर आप दिखाएं तो स्पीडोमीटर हार्डली 20 के ऊपर जो है कार इस टाइम चल रही है, 20-30 मैक्सिमम यही स्पीड आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 20-30 मैक्सिमम है ये, और पिछले 2-2.5 घंटे से ऐसा ही चल रहा है। कई जगहों पे बहुत मेजर जाम लगे हुए हैं इसी वजह से और ट्रैफिक जो है बिल्कुल रुक गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे है और ये GT करनाल रोड जिसे कहते हैं GT रोड, ये वो रोड है इंडिया की लाइफ लाइन माने जाने वाला रोड है और यहाँ पे इस समय जो है ये हालात हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दर्पण बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने एनवायरनमेंट को हम लोग इतना डैमेज ना करें, नेचर को इतना डैमेज ना करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें इस तरीके से देखने को मिले, इस तरीके से झेलने को मिले। इनफैक्ट तो सिचुएशंस विल इम्प्रूव और कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है वो जल्दी ही निकल के आएगा।